वैलेंटाइंस डे अब बहुत दूर नहीं है और ऐसे में अगर कोई रोमांटिक फिल्म रिलीज होगी और स्टार्स उसे प्रमोट करने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम तो बस लव रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं लंदन पेरिस न्यूयॉर्क फिल्म के प्रमोशनल इवेंट की, जहां अली जफर और अदिति राव ने आकर हमसे की ढेर सारी बातें अपने वैलेंटाइंस डे प्लान के बारे में। हमें अपने फेवरेट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कपल्स के बारे में बताया एंड दे आल्सो टोल्ड अस अबाउट देयर फेवरेट रोमांटिक डेस्टिनेशंस। तो शुरुआत करते हैं इनके वैलेंटाइन डे प्लान से। अदिति ने अली को बना लिया अपना पार्टनर फॉर वैलेंटाइंस डे और वहीं अली जफर ने अदिति से कहा कि वो उन्हें जुहू बीच लेके जाएंगे। आप खुद ही सुनिए इनका हैपनिंग प्लान कि आखिर किस तरह ये दोनों मनाएंगे वैलेंटाइंस डे। प्रमोशन के टॉप है बीच। आप दोनों बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि आखिर आप क्या करने वाले हैं, फिर हमें बता दीजिएगा। पर अभी के लिए हमें अपने फेवरेट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कपल के बारे में बता दीजिए। कपल हम दोनों का थी काजल और शाहरुख खान दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ऑफ स्क्रीन कपल जो है वो सोनाली और गोल्डी। We must say, Ali, that's quite a safe bet. अब जब आपने इतना सब बता ही दिया है तो लगे हाथ अपना फेवरेट रोमांटिक डेस्टिनेशन भी बता दीजिए। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। Ali, आपके विटीनेस को मानना पड़ेगा, अपनी फिल्म के नाम को ही अपना फेवरेट डेस्टिनेशन बता दिया और अली के इतने विटी आंसर सुन के बेचारी अदिति तो चुप ही बैठ गई। पर हमने भी अदिति को बोलने का मौका दिया और उनसे पूछा कि उनके लिए वैलेंटाइंस डे कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तो हर लड़की की तरह उनका आंसर भी एज एक्सपेक्टेड था। आई थिंक एवरी डे शुड बी फुल ऑफ लव। वैलेंटाइंस डे ऑफ कोर्स इज स्पेशल बिकॉज़ दैट्स पिक्ड बाय समबडी, बट एवरी डे शुड बी फुल ऑफ लव एंड वन मस्ट शो लव एवरी डे। ये तो था हमारी अदिति का घिसा पिटा जवाब। पर जरा हमारे अली जफर से सुनिए कि आखिर उन्हें दुखी सिंगर किसने बनाया। बहुत साल पहले जब मैं छोटा था कोई 3-4 साल पहले जब मैं बच्चा था तो एक मुझे मोहतरमा पसंद आई थी, उनके लिए फिर मैंने एक म्यूजिक एल्बम गा के रिकॉर्ड की थी। ये मैं 16 साल का था, 5 साल पहले की बात। उनके लिए गा के रिकॉर्ड की थी, उन्हें भेजी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही शरीफ थी तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर मैं एक दुखी सिंगर बन गया और मेरा दिल टूटा और फिर दर्द की वजह से मैं कुछ इस तरह किया इन दोनों स्टार्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन। इतना ही नहीं, अली तो इसके बाद काला घोड़ा फेस्ट में तक गए और वहां दी लाइव परफॉर्मेंस। ये बात हमें खुद अली ने बताई। काला घोड़ा फेस्टिवल पे परफॉर्म भी कर रहे हैं। यस प्लीज कम एक्साइटेड। आई थिंक मेरी ये पहली परफॉर्मेंस होगी इनफैक्ट इंडिया में एक क्राउड के सामने, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अब जब अली ने हमसे ये कह दिया तो हमारा वहाँ जाना तो लाजमी ही था। तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए अली जफर की ये फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। फॉर रोशनी दुबे एंड साजिद पटेल, जूम मुंबई।